अपनी पार्टी से बोल के दिलवा देगा ना। अबे हट साले दल बदलू, उसका इस्तेमाल तो मैं तब करूंगा जब मैं तुझे गोली मार दूंगा। भवानी भाई तो माजी डेड बॉडी को सैल्यूट मारने की बात कर रहा है। और आप डर गए? साला इस कुर्सी पे तुम बैठना मांगता था और इस साले डरपोक को तुमने मंत्री बना दिया। बाबू भाई अभी चुप बैठकर मेरा बात सुनने का। मैंने इलेक्शन में तुम्हारा पार्टी को जिताने का वादा किया था, जिताना। तुम लोगों ने मेरा बच्चा लोग को बचाने का वादा किया था, किधर बचाया? साला वो सुखदेव टपका डाला ना मेरे आदमी लोग को, मेरे को मारने का बात करता है और तुम लोग इधर बैठ के मजे बजाता है साला। अभी मैं क्या बोलेगा बाबू भाई, सब किस्मत का खेल है यार, किस्मत का खेल है। अगर मेरा पार्टी मेरे को कोई मंत्री संतरी बना दिया होता ना तो मैं कब का सुखदेव को सुख का नींद सुलवा दिया होता। तुम साला कभी का बात करता है, मैं अभी का बात करता है। अभी मांगता है तो साला उस सुखदेव को टपका सकता है मैं, लेकिन वो पुलिस वाले को मारने का बोला ना बहुत राड़े का काम होता है, अपना साला पूरा गैंग पूरा कंपनी टेंशन में आ सकता है। अरे बाबू भाई तने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओ सुखदेव का बही खाता ही मैं लिखूंगा। ये ले ये ले ये ये ले ए? मैं बंगड़ी पहन के बैठता हूँ, तू टपका साले को। ये छोटे इनको भी एक एक दे दे। नदी 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 दे, दूर रखो मेरे से, दूर रखो यार मेरे से, दूर रखो, मेरे को डर लगता है। मैं क्या बोलता हूँ बाबू भाई? ओ तू चुप कर रहे पटेल, ये मैं समझाता हूँ बाबाने। बाबू भाई हम जैसे नेता गोड़ी चढ़ाते नहीं है, चढ़वाते हैं। ये सिर्फ हमारे देश में ना है, सारे संसार में हारे जैसे दाता भाई ग्रोबन इसलिए बड़े बड़े नाम कमा लेते, पैसा कमा लेते, क्योंकि इनके पीठ पर हम जैसे नेताओं का हाथ होता है। इसलिए बात समझ में आई है कि ना आई है? गोड़ी तू ही चढ़ाएगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा